मारपीट में घायल दो पक्ष सरकारी अस्पताल में भी आपस में भिड़ गए। अस्पताल परिसर में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और धारदार हथियार चले। बीच बचाव करने पहुंचे अस्पताल के कर्मचारियों से भी आरोपियों ने हाथापाई कर गाली गलौज किया। सड़क से झगड़ते हुए दो पक्ष जब अस्पताल में भी झगड़े पर उतर आए तो ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक ने मामले की तहरीर कोतवाली थाने में दी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ब्रजवाल ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वे रात में इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात थे। दो पक्ष आपसी विवाद होने के कारण चोटिल होने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आए थे। दोनों पक्ष चिकित्सालय परिसर में इमरजेंसी कक्ष के समीप अस्पताल स्टाफ के सामने ही बढ़ गए। दोनों पक्षों ने धारदार हथियारों से मारपीट व गाली गलौज शुरू कर दी। इमरजेंसी रूम में रखे फर्नीचर को तोड़ताड़ दिया। अस्पताल के कर्मचारियों के समझाने का प्रयास किया तो उक्त लोगों द्वारा अस्पताल स्टाफ को भी गाली गलौज करते हुए हाथापाई की गई। आरोपियों ने बीच में न आने की बात कहकर जान से मारने की धमकी भी अस्पताल स्टाफ को दी। शाम को 7:30 बजे के आसपास टुकड़ी नानकमत्ता से दो पक्ष यहाँ पे इलाज कराने आए थे, तो इलाज के दौरान इनमें आपस में ही विवाद हो गया और ये आपस में हॉस्पिटल परिसर में ही विवाद स्टार्ट कर दिया इन्होंने, और जिसमें काफ़ी इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया और हॉस्पिटल में भी थोड़ा कार्य में अपना विघ्न पहुँचाया। आज हमने थाने में कोतवाली में देखे आए हैं और इसमें कल रात डॉक्टर लक्ष्मण ब्रजवाल सर हमारे ड्यूटी पे थे, तो उनकी ड्यूटी में ही ये हंगामा हुआ है पूरा। इसमें सुखविंदर सिंह पुत्र मोहर सिंह, सुखदेव सिंह पुत्र चरण सिंह और बूटा सिंह पुत्र मोहर सिंह ये चोटिल थे जो इलाज कराने आए थे। इलाज के बाद कुछ टाइम बाद इनका आपस में विवाद हुआ जो हॉस्पिटल परिसर में ही इन्होंने किया है और जिसकी तहरीर आज हमने थाने में दे दी। हमारे काफ़ी समय से हमने PID की डिमांड कर रखी है, हमने CMO को भी तलब कर रखा है इस बारे में और CMO सर ने आगे भी फॉरवर्ड कर रखा है DM सर को, और हो सकता है जल्दी PID के लिए भी हमने आज भी हम आगे देंगे ज्ञापन कि PID हमें प्रोवाइड करवाई जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।